अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की मांग हुई तेज। कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में तख्ती लेकर गांधी परिवार के अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। कांग्रेसी नारा लगा रहे हैं, अमेठी मांगे गांधी परिवार। कांग्रेस कार्यालय के अंदर धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी और उनकी मांग है कि अमेठी से गांधी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये फैसला राहुल गांधी का है। उनको ऐसा लगता है कि ये सियासी लिहाज से सही नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पप्पू पांडे अपनी पैनी नजर बना के रखते हैं अमेठी से जुड़ी हर खबर पर। जी पप्पू। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं कर पा रही है, 20 मई को पांचवें चरण में अमेठी में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं अमेठी के जो कांग्रेसी हैं वो ये उम्मीद में थे कि गांधी परिवार से कोई आएगा, लेकिन अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी के तहत कहा जा सकता है या प्रेशर पॉलिटिक्स इसे हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार पे अपना जो संदेश देना चाहते हैं, जिसके जरिए ये आज कांग्रेस कार्यालय में लोग बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अमेठी से गांधी परिवार के सदस्य को मैदान में भेजा जाए, जिसको लेकर आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यालय में कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं लगातार कि इस पर कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। जी, पप्पू एक मिनट, पप्पू ये बताइए कि ये जो कांग्रेसी बड़े संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, ये तो ठीक है कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठ गए, लेकिन आला कमान तक भी कोई इन्होंने चिट्ठी लिखी है क्या, उन तक बात पहुंचाई है क्या, क्योंकि असल निर्णय तो खुद गांधी परिवार को लेना है। जी बिल्कुल, आपको बता दें अमेठी का जो कांग्रेस संगठन है वो सिर्फ इस बात का दावा कर रहा है कि अमेठी से गांधी परिवार लड़ेगा। अब यहाँ किसकी किससे बात होती है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, ना ही किसी के पास ऐसा कोई संदेश आया है, ना ही कोई किसी तरह की कोई बातचीत की बात है। सब सिर्फ कयासबाजी अमेठी में लगाई जा रही है और वो कयासबाजी है कि गांधी परिवार अमेठी आएगा, गांधी परिवार का अमेठी से घर है, जबकि गांधी परिवार शायद अमेठी में ग्राउंड रियलिटी को समझ चुका है या फिर जान चुका है या फिर वो जो जी पप्पू, तो क्या ये माने पप्पू, क्या ये माने कि आप जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका सब्र भी अब टूटने लगा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, स्मृति ईरानी है, मौजूदा सांसद जो लगातार यहां पर एक्टिव हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो कह दिया गया तैयारी करने की, वो भी 10 दिन पहले की ही बात है कि यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव हुए, लेकिन अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं, तो अब सब्र जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका सब्र टूट चुका है, ये बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज ये कांग्रेस कार्यालय में धरना दे रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी की बात आपको करें तो ताबड़तोड़ वो जनसभा कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी आज काफी आगे निकल चुकी है, ये 2014 वाली भारतीय जनता पार्टी अमेठी में नहीं है, ये 2024 की भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास आज 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की एक फौज है। इसके साथ अमेठी में एक अच्छा खासा जनाधार है। कहीं ना कहीं कांग्रेसी इस उम्मीद में थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आएंगी, फिर से गांधी परिवार के लोग यहां आना जाना होगा, जिसको लेकर के किसी तरह की कोई इनको मैसेज नहीं मिल रहा है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के आज ये पूरी तरीके से हताश। बिल्कुल, ये हताश और निराश हो गए। आखिर कार्यकर्ताओं के पास चारा भी क्या, वो ये मानते थे कि अमेठी से जिस रिश्ते की बात गांधी परिवार करता रहा है वो इस तरीके से आज